बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 2.3 के 10 से 11 क्वेश्चन किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी प्लस कोस इनवर्स सी बराबर 5, तो सिद्ध करो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ABC इक्वल टू 1। ये हमें सिद्ध करना है। तो जैसे कि दिया हुआ है, कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी प्लस कोस इनवर्स सी, और इसको हम इधर रख लेंगे, लिखेंगे पाई माइनस के कोस इनवर्स सी। ठीक है, अब कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये जाएगा कोस इनवर्स ए बी, प्लस है तो माइनस लेंगे, रूट वन माइनस ए स्क्वायर रूट वन माइनस के बी स्क्वायर, और इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स सी होता है कोस इनवर्स माइनस सी। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में कोस माइनस में होता है, कोस इनवर्स से कोस इनवर्स तुलना करने पर घट जाएगा। ये हो जाएगा ए बी माइनस के, ये गुणा करेंगे, वन की मल्टीप्लाई करेंगे, वन माइनस के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी, सॉरी माइनस सी। कोस इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए बी को ले जाएंगे इस साइड में, या फिर सी को इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा, और जो ये संख्या माइनस की है इसको ले जाएंगे उस साइड में, ये हो जाएगी प्लस की। ठीक है, यानी कि इसको हम ले जाएंगे राइट में और इसको ले जाएंगे लेफ्ट में। ये जाएगा ए बी प्लस सी इक्वल टू रूट वन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों और का करेंगे वर्ग, वर्ग करने पे हो जाएगा ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और बराबर इसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ABC इक्वल वन माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो इधर राइट में है इधर लेंगे लेफ्ट में, तो ये अगर इधर हो जाएंगे प्लस में, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ABC इक्वल टू 1। ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 है, यदि u बराबर है कोट इनवर्स रूट कोस 2θ माइनस के टैन इनवर्स रूट कोस 2θ, तो सिद्ध कीजिए कि साइन u बराबर टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हल करेंगे क्वेश्चन को, जो दिया हुआ है उसको हम लेकर चलेंगे, u बराबर कोट इनवर्स रूट कोस 2θ और माइनस के टैन इनवर्स रूट कोस 2θ। ठीक है, यहाँ जो कोट इनवर्स है इसको हम टैन में चेंज करेंगे, फिर टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन वाई की तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यू बराबर कोट इनवर्स को लिखेंगे हम टैन इनवर्स 1 अपॉन रूट कोस 2θ और माइनस के टैन इनवर्स रूट कोस 2θ। ठीक है, अब u बराबर tan इनवर्स, इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये जाएगा tan इनवर्स x माइनस y यानी कि 1 अपॉन रूट कोस 2θ और माइनस के रूट कोस 2θ और अपॉन 1 प्लस i कोस 2θ और गुणा रूट कोस 2θ। रूट कोस 2θ ये कट जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, u बराबर tan इनवर्स, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस के कोस 2θ, रूट हट जाएगा, और अपॉन रूट कोस 2θ और 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, 2 आएगा यहां भाग में। ठीक है, अब tan इनवर्स को ले जाएंगे इस साइड में यानी कि लेफ्ट में लाएंगे, तो ये हो जाएगा tan u, tan u इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस के cos 2θ अपॉन 2√cos 2θ। ठीक है, ये tan u की वैल्यू आई है, और हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है
वो करनी है साइन u की वैल्यू फाइंड। ठीक है, तो साइन u और हम इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे कि tan u बराबर हमारा आंसर आया है 1 माइनस के कोस 2 थीटा अपॉन 2 रूट कोस 2 थीटा, तो tan का फॉर्मूला होता है कोट, तो कोट u बराबर हो जाएगा 2 रूट कोस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस के कोस 2 थीटा। ठीक है, इसे समीकरण मान लीजिए आप दो। कोट u का वैल्यू क्यों निकाली हमने, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर का अपोजिट होगा साइन। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम साइन की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अब क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर यू इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर यू, कोट की वैल्यू आई है ये, इसका वर्क करेंगे तो 1 प्लस 2 रूट कोस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस के कोस 2 थीटा और इसका वर्ग बराबर कोसेक स्क्वायर यू। सोल्व करेंगे इसको, 1 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो जगह 4 कोस 2 थीटा अपॉन इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो जगह 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा और माइनस के 2 कोस 2 थीटा और इक्वल कोसेक स्क्वायर यू। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस के 2 कोस 2 थीटा और प्लस के 4 कोस 2 थीटा और अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा और माइनस के 2 कोस 2 थीटा और इक्वल टू कोसेक स्क्वायर यू। सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ से माइनस के 2 कोस 2 थीटा है, यहाँ प्लस के 4 है तो 2 घट जाएंगे, प्लस के 2 बचेंगे और जब प्लस के 2 बचेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे प्लस के 2 कोस थीटा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर और ये फॉर्मूला है 1 माइनस के कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल टू कोसेक स्क्वायर यू। दोनों ओर के वर्ग कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा यानी कुल मिला के कोसेक यू बराबर हो जाएगा, कोसेक यू बराबर आएगा 1 प्लस के कोस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस के कोस 2 थीटा। कोसेक यू बराबर है ये संख्या, तो साइन यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसलिए साइन यू इक्वल टू इसका अपोजिट हो जाएगा और जब इसका अपोजिट करेंगे साथ साथ इसका फॉर्मूला खोल लेंगे। देखो माइनस है तो साइन में फॉर्मूला खोल लेंगे, 1 माइनस इसका अपोजिट भी कर देंगे साथ साथ और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला भी खोल लेंगे। 1 माइनस फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इसका अपोजिट करेंगे 1 प्लस और फॉर्मूला लगाएंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन यू बराबर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ये हो जाएगा टेन स्क्वायर, तो 4 सवाल हो जाएगा साइन यू बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा जो आंसर है जो उसमें प्रूफ कर रहा था ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 14 क्वेश्चन अपने आप करना है, ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि tan इनवर्स a प्लस x अपॉन a बराबर पाई अपॉन 6 माइनस के tan इनवर्स a माइनस x अपॉन a है तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर बराबर 2 रूट 3 a स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है, ये दिया हुआ है। जब हल करेंगे क्वेश्चन को तो माइनस के tan इनवर्स a माइनस x अपॉन a है इसको हम लेफ्ट में रखेंगे तो ये लिखेंगे हम tan इनवर्स a प्लस x अपॉन a से लेफ्ट में लिखेंगे प्लस के टाइम इनवर्स ए माइनस एक्स अपॉन ए और इक्वल पाई अपॉन 6। ठीक है, अब यहाँ से इसको x मानते हुए और संख्या को y मानते हुए टाइम इनवर्स x प्लस टाइम इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा टाइम इनवर्स ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस ए माइनस एक्स अपॉन ए अपॉन 1 माइनस ए प्लस एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए और इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 6।
यहाँ से हम सोल्व करेंगे, देखो एलसीएम इक्वल है ए है तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए टू ए, टू ए अपॉन ए, तो सोल्व करके आएगा टैन इनवर्स टू, क्योंकि टू ए अपॉन ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो सोल्व करके कितना आएगा यहाँ पे टू आएगा, टू अपॉन वन माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इक्वल टू पाई अपॉन सिक्स। और यहाँ से हम इसको इस साइड में लाएंगे, टैन इनवर्स को राइट में लाएंगे तो हो जाएगा टैन पाई अपॉन सिक्स, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ए से ए भी कट जाएगा और ए स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो कुल मिला के ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू टैन पाई अपॉन सिक्स। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टैन पाई अपॉन सिक्स की वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, टैन पाई अपॉन सिक्स की वैल्यू रख देंगे तो ये जाएगा टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन पाई अपॉन सिक्स की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा दो रूट तीन ए स्क्वायर, ठीक है ये प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 किया है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 है, ये अपने आप करना है, सेम क्वेश्चन है उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि टैन कोस इनवर्स एक्स बराबर साइन कोट इनवर्स वन अपॉन टू है तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है x बराबर प्लस माइनस के रूट फाइव अपॉन थ्री, ये हमें सिद्ध करना है। तो हल करेंगे क्वेश्चन को, जो दिया हुआ है उसको हम लेकर चलेंगे, tan cos इनवर्स x बराबर साइन cot इनवर्स वन अपॉन टू, cot है देखो यहाँ tan है यहाँ है cos इनवर्स, तो यहाँ पर हम cos इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर देंगे जिससे कि कैंसिल हो जाएगा, कल हमने फॉर्मूले लिखवाए थे उन फॉर्मूला का यूज करके हम इसको cos इनवर्स को सीधे tan इनवर्स में चेंज कर देंगे, तो cos इनवर्स x को सीधे tan इनवर्स में चेंज करके फॉर्मूला होता है tan इनवर्स रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और इक्वल साइन, यहाँ साइन है यहाँ cot इनवर्स, तो cot इनवर्स का सीधा यूज करके फॉर्मूला, पहले हम कोट को यदि आपसे डायरेक्टली नहीं होता कोट से तो आप यहाँ से ऐसे करते हो, यहाँ पे टैन इनवर्स टू लिख सकते हैं इसको, कोट इनवर्स वन अपॉन टू क्या लिख सकते हैं टैन इनवर्स टू, ठीक है। अब टैन टैन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल हो जाएगा साइन टैन इनवर्स टू को लिखेंगे, इसको एक्स मान लीजिए तो फॉर्मूला रहेगा, साइन के प्रथम चेंज करना है तो लिखेंगे साइन इनवर्स, इसको एक्स मानेंगे तो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला था, टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला था, तो इसको एक्स मानते हुए एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू टू अपॉन रूट वन प्लस फोर, ठीक है। सोल्व करेंगे दोनों का वर्क करेंगे, वर्क करने पे हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा फोर अपॉन रूट हट जाएगा फाइव, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव माइनस के फाइव एक्स स्क्वायर और फाइव एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे लेफ्ट में तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस के फाइव एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव, तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव और एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव अपॉन नाइन और एक्स इक्वल टू हो जाएगा इसका रूट फाइव अपॉन नाइन और ये हो जाएगा प्लस माइनस के, ठीक है। नाइन का स्क्वायर रूट करेंगे तो एक्स इक्वल टू ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस के रूट फाइव अपॉन थ्री, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 17 के बाद के 18, 19 जो क्वेश्चन हैं ये अपने आप करने हैं, यदि ना हो तो आप फोन पे पूछ सकते हैं, ठीक है, हम करा देंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट है, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 20 में मान ज्ञात करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें पांच पार्ट है, ए बी सी डी ई। तो पहला क्वेश्चन है इसका, यहाँ से दोनों साइड लेकर चलेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। देखो यहाँ इधर साइन इनवर्स है और यह है साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स इसको एक्स मानते हुए इसको हम सीधे टैन इनवर्स में चेंज करेंगे, इसको टैन इनवर्स से टैन इनवर्स जो है कैंसिल करेंगे और फिर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसे एक्स मानते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। टैन इनवर्स साइन की वैल्यू साइन इनवर्स की टैन इनवर्स होती है टैन इनवर्स, इसको मान लीजिए आप एक्स, जैसे कल फॉर्मूला बताया था, अगर हम इसको एक्स मानते हैं तो ये जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है टैन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स यानी कि 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स से टैन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो जाएगा 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4 इक्वल टू एक्स। सोल्व करेंगे आगे, 4 एकम 4 माइनस 1 3/4 आएगा और 3/4 का रूट करेंगे तो 1/2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा और इक्वल टू एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू एक्स। ये एक्स की वैल्यू, ये एक्स का माना जाएगा, ठीक है। बी पार्ट है, टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हमें टैन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इधर सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी का टैन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी और इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स से टैन इनवर्स कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये इसका आंसर देगा, ठीक है। सी क्वेश्चन है, टैन इनवर्स 1/2 प्लस टैन इनवर्स 2 इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। ये यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे ऊपर के हमने फॉर्म लगाया, सीधे तो फॉर्म यूजिंग है यहाँ से। तो फॉर्म लगाएंगे, टैन इनवर्स 1/2 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस के 1/2 इंटू 2, ठीक है, और इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स से टैन इनवर्स कैंसिल करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके ये आएगा 2 × 4 = 5/2 और अपॉन 0 और इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी पार्ट है इसका, टैन इनवर्स 1/x इक्वल टू, ये जो एक्स इनवर्स दिया हुआ है यहाँ पे इसे लिखेंगे 1/x कोट इनवर्स 4/x, ठीक है। टैन इनवर्स को कोट इनवर्स चेंज करेंगे तो ये जाएगा कोट इनवर्स एक्स चेंज हो जाएगा और इक्वल टू कोट इनवर्स 4/x। कोट इनवर्स से कोट इनवर्स कैंसिल करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरे का ई पार्ट है, ये दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/8 इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को, इसको साइन इनवर्स 1/8 को हम कोस इनवर्स में चेंज कर देंगे तो ये रहेगा कोस इनवर्स रूट 1 माइनस के 1/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल करेंगे और इसको सोल्व करके ये हो जाएगा रूट 1 माइनस के 1/64 और इक्वल टू एक्स, ठीक है। दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 63/64, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी और इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी रूट 63/8,